दुर्गा, समझती क्या हो तुम खुद को? बारहवीं टॉप क्या कर ली, हमारे सर पर बैठकर तांडव करोगी हम पर? नहीं काकी साहब, मैंने कहा कुछ? अपने हालत देखिए तड़े। बारिश हो रही थी इसलिए भीगने का मन किया या अनुराग को देखकर? काकी साहब मुझे गलत समझ रही है, वो मौसम की पहली बारिश में मैं हर बार भीगती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। रणाचना भी बहुत पसंद है बारिश में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सीरियल की, जहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीज की पूजा है और घर में बेहद खुशी का माहौल है और पूजा पाठ की तैयारियां हो रही हैं, पकवान बन रहे हैं, मिठाइयां आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं और सभी बहुओं के घर से जितने भी सामान आते हैं और जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं वो सब कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पानी बाई जो हैं जिस मकसद के साथ इस घर में रह रही हैं वो दिन पर दिन अपने मकसद को धीरे धीरे पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ यहाँ बेटा, तू सुबह से बाहर है, कुछ खाया भी नहीं होगा ना बेटा? राजघराने की ना है ये, कबीले की पैदाइश है, कबीले का खून है इसमें, थोड़ी सर्दी तो बर्दाश्त कर सके ना दुर्गा। क्यों दुर्गा, बाहर बारिश हो रही थी और नाच रही थी और फिर अनुराग बांसुरी बजा रहा था। अनुराग ने तेरे साथ क्या बारिश में भीग रहा था? कोर्सा के संग थारा जो रिश्ता था ना दुर्गा, मारे को वो मंजूर कोनी। पर वो सभी घर की बहुओं में मतभेद करती हैं, जानबूझकर उन्हें कंपेयर करती हैं, सभी बहुओं को इधर उधर की बातें कहती हैं, किसी को अच्छा कहती हैं तो किसी को बुरा कहती हैं और वो जानबूझकर इन सारी बहुओं में टकरार करवाना चाहती हैं ताकि ये घर परिवार जो है वो हंसी खुशी के साथ ना रह सके। और इसी के साथ कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई सावित्री जी यानी कि घर की जो महारानी है उनके घर से यानी कि उनके भाइयों ने काफी सारे तोहफे मिठाइयां भेजे हैं उनके घर पर और यहाँ पर भाई सभी लोग ये देखकर बेहद खुश होते हैं। लेकिन भाई पानी बाई का भाई मुंह बन जाता है, वो बेहद गुस्से में हो जाती हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई सावित्री के बेटे जो हैं यानी कि माधव जो हैं कल अपने मामा मामी के घर जाने वाले हैं दोबारा से मिठाई और तोहफे लेकर। लेकिन यहाँ पर पानी बाई उन्हें इनकार कर देती है और कहती है कि कल तो पूजा है और तुम कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन भाई इस बार माधव ने पानी बाई की बातों को ठुकराते हुए कहा है कि भाई ये तो ट्रेडिशन है और जाना तो मेरा बनता ही। और ये सुनने के बाद तो भाई पानी बाई का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई पानी बाई जो है एक भी मौका नहीं छोड़ती सावित्री को नीचा दिखाने का। और इस बार भी उन्होंने सावित्री को नीचा दिखाने के लिए एक बेहद बड़ी बात कह दी है उनके भाई को। जी हाँ, यहाँ पर पानी बाई ने कहा कि आपके भाई के पास तो बेहद पैसा है और इतने सारे पैसे होने के बाद भी वो सिर्फ इस मिठाई और कपड़ों से और तोहफों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इतने पैसे हैं तो कम से कम आपको कुछ तो जमीन दे, कुछ तो जायदाद दे, लेकिन फिर भी आपको उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और ये सुनने के बाद तो भाई सावित्री बाई हमारी बेहद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि भाई मेरी शादी जो है इतने गरीब घर में नहीं हुई है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना हो, मेरा भाई जैसा भी है बहुत अच्छा है और तू जैसी गरीब और दूसरे के पैसों पर पलने वाली औरत कभी भी ये बात नहीं समझ सकती। और ये सुनने के बाद भाई हमारी पानी बाई का गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंच चुका है और इस बार उसने ठान लिया है कि वो इस बात का मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी लेकिन समय आने पर। तो आपको बता दूं कि इस बार हमारी पानी बाई जो है वो दुर्गा का इस्तेमाल करने वाली है इस घर से बदला लेने के लिए। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से दुर्गा का इस्तेमाल करने वाली है इन लोगों से बदला लेने के लिए।